अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत पर रूसी राजदूत ने जताई चिंता, कहा काबुल से कश्मीर तक फैल सकता है आतंकवाद, रूस में भी अफगान से आतंक फैलने का खतरा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अगली सरकार के गठन की तैयारी तेज, मुल्ला बरादर की जगह मुल्ला हसन अखुन को मिल सकते अफगानिस्तान की कमान। तालिबान सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर और मुल्ला अब्दुल सलेम अब डिप्टी के तौर पर काम करेंगे, कल तक तालिबान की बन सकती है सरकार। पंजशीर में आरपार की लड़ाई जारी, अज्ञात विमानों ने तालिबानी ठिकानों पर किया हमला। पूर्व अफगान वायुसेना पायलट का बयान, कर्नल रहमान रहमानी बोले पंजशीर की राजधानी बिजारक में हारे तालिबानी। पूर्व पायलट के मुताबिक दशक में घात लगाकर तालिबान पर किए गए हमले, दाराए हजारा में भी तालिबान से कर रहे मुकाबला। जंग के बीच पंजशीर के डिप्टी गवर्नर कबीर वाशिक का बयान, कहा पंजशीर और अंद्राप में भीषण जंग जारी, तालिबान के भारी नुकसान का दावा। नॉर्दर्न अलायंस के चीफ मसूद के कजाकिस्तान भागने की खबर, पंजशीर समर्थकों ने मसूद के घाटी में ही होने की कही बात। मसूद समर्थकों का दावा, मसूद आखिरी दम तक पंजशीर में ही रहेंगे, मसूद दुश्मनों को पीठ दिखाने वालों में नहीं। पंजशीर में जंग के बीच एनआरएफ की कमान अमरुल्ला साले ने संभाली, पहाड़ों पर खास रणनीति के तहत तालिबान के लड़ाकों पर किया जा रहा है हमला। पंजशीर के डिप्टी गवर्नर कबीर वसीक का बयान, पंजशीर में तालिबान और एनआरएफ के बीच लड़ाई जारी, तालिबान को भारी नुकसान होने का किया खुलासा। तालिबान सरकार में अपने प्रतिनिधित्व को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, बल्क प्रांत में महिलाओं का तालिबान के खिलाफ हल्ला बोल। अफगानिस्तान में अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं, महिलाओं ने आजादी के भी नारे लगाए। तालिबान का दावा, बड़ी संख्या में पंजशीर मिलिशिया लड़ाके पहाड़ों से उतरे, तालिबान के सामने किया आत्मसमर्पण। पंजशीर की जंग में पाक आर्मी के दखल के बाद भड़का अफगानियों का गुस्सा, काबुल में लगे पाकिस्तानी गेट, आउट ऑफ अफगानिस्तान के नारे। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में प्रदर्शन, पंजशीर घाटी में पाकिस्तानी सैनिकों के हमले से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स ने पंजशीर में जबरदस्त बमबारी की, अफगानिस्तान के दायकुंदी प्रांत में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। काबुल में भी अफगानियों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन, काबुल की सड़कों पर उतरे लोगों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जमकर लगाए नारे। काबुल के बाद मजार शरीफ में पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल, पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अफगानिस्तान से सेना की वापसी के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कतर पहुंचे, अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों को निकालने पर चर्चा। काबुल एयरपोर्ट से हटने के बाद पहली बार अमेरिका ने अपने चार नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाला, अमेरिका ने तालिबान को दी जानकारी। अफगानिस्तान में फंसे 311 से अधिक अफगानों को बचाने की कोशिश में जुटेगा ब्रिटेन, कई अफगानियों ने की थी ब्रिटिश सेना की मदद। अफगानिस्तान में नाटो सेना की मदद करने वाले 500 अफगान नागरिकों को निकाला गया, रेस्क्यू किए गए लोगों को यूरोप में सैन्य ठिकानों पर रखा गया। अफगानिस्तान के हालात पर बोले पाकिस्तान आर्मी चीफ बाजवा, का अफगानिस्तान में सभी के अधिकारों का सम्मान करने वाली सरकार चाहते हैं। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बीच बाजवा ने छेड़ा कश्मीर राग, कहा पाकिस्तान कश्मीर को कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन रखेगा जारी। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की चेतावनी, कहा इस्लामाबाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। तालिबान को टोनी ब्लेयर ने चरमपंथी इस्लाम के वैश्विक आंदोलन का हिस्सा बताया, टोनी ने कहा चरमपंथी इस्लाम के खतरे को नहीं किया जा सकता अनदेखा। पंजशीर में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के उप प्रमुख हनफी ने काबुल में चीनी राजदूत से की मुलाकात, अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा की। चीन ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को जारी रखने की बात कही है, कोरोना की रोकथाम में मदद का भी दिया भरोसा। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर ढाई घंटे तक चली हाई लेवल मीटिंग, बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री मौजूद रहे। बैठक में तालिबान के सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा, मीटिंग में एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल, सीडीएस विपिन रावत भी रहे मौजूद। तालिबान राज की पहली तस्वीर, कॉलेजेस में लड़के लड़कियों के बीच लगा पर्दा, पर्दे के एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां बैठी दिखी। तालिबानी हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जारी किया था आदेश, का कॉलेज में लड़के और लड़कियां अलग अलग कमरे में बैठे नहीं तो बीच में लगाए पर्दे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल पर तालिबान की पाक को नसीहत, कहा अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल ना दें। तालिबान ने कहा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मंजूर नहीं, बरादर के आईएसआई चीफ से मुलाकात से तालिबान नाराज है। मुल्ला बरादर और आईएसआई चीफ की मुलाकात, अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर हुई चर्चा। पंजशीर में पाकिस्तान का तालिबान का साथ देने का एक और सबूत मिला, पंजशीर में देखा पाकिस्तान का फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर।
पंजशीर में कब्जे को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स ने खुलकर दिया तालिबान का साथ। पाक अपने फाइटर जेट की मदद से लगातार करता रहा तालिबानी लड़ाकों की मदद। अमरुल्ला साले ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर मदद मांगी है। कहा पंजशीर की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया तो नरसंहार देखने को मिलेगा। साले ने चिट्ठी में लिखा पंजशीर को तालिबान से बचाने के लिए हर संभव प्रयास की जरूरत। तालिबान की आर्थिक नाकेबंदी से 3 जिलों में संकट। पंजशीर में कब्जे को लेकर अहमद मसूद ने जारी किया बयान। कहा पंजशीर में तालिबान के खिलाफ जंग जारी। पाक की मदद से तालिबान बमबारी कर रहा है। अहमद मसूद ने कहा तालिबान और पाकिस्तान दोनों से लड़ रहे हैं। आखिरी दम तक सरेंडर नहीं करेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तालिबान के खिलाफ मसूद ने पूरी दुनिया से मांगी मदद। तालिबान के खिलाफ युद्ध खत्म नहीं होगा। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स अब भी पंजशीर में मौजूद। अहमद मसूद ने अपने परिवार वालों की मौत की पुष्टि की। कहा तालिबान की बमबारी में कई नेता मारे गए। अहमद मसूद ने एनआरएफ प्रवक्ता फहीम दस्ती के मारे जाने की बात को कबूला। कहा तालिबानियों के हमले में दस्ती की गई जान। अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ लोगों से खड़े होने की अपील की। मसूद ने 18 मिनट का ऑडियो टेप जारी कर बयान दिया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने कहा अफगानिस्तान को सीपीईसी में शामिल किया। सीपीईसी ने हर तरह के सहयोग का वादा किया। जबीउल्ला मुजाहिद का बयान। कतर, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात की टीमें काबुल एयरपोर्ट को दुरुस्त करने में जुटी। तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने कहा संकट से अभी अभी बाहर आए हैं, ऐसे में महिलाओं और पुरुषों का विरोध प्रदर्शन करना ठीक नहीं।